सारे ट्रीज के जो लीव्स हैं वो येलो रेड हो चुके हैं। गाइस अभी पूरे यूरोप में आपको इसी तरह के लीव्स दिखेंगे, रेड येलो, और जो भी येलो है वो भी पूरे रेड हो जाएंगे। ये एक्चुअली फॉल का टाइम चल रहा है, ऑटम, जो समर और विंटर के बीच का मौसम रहता है, हम अपन पतझड़ कहते हैं। तो अभी पतझड़ चल रहा है और लोग स्पेशली ऐसी जगहों पे जाते हैं यहाँ पे, जहाँ पे सारे ट्रीज के जो लीव्स हैं वो येलो रेड हो चुके हैं, तो उन्हें देखने के लिए। जनरली होता क्या है, इन लोगों के फेस्टिवल्स भी ऑटम में ही स्टार्ट होते हैं। अभी जैसे अक्टूबर एंड है वैसे तो, लेकिन पूरे अक्टूबर इनके हेलोवीन पार्टीज वगैरह रही हैं। अब नवंबर में जो है इनके बहुत सारे म्यूजिकल फेस्ट होंगे यहाँ पे यूरोप में। फिर दिसंबर आ जाएगा, दिसंबर पूरा क्रिसमस सेलिब्रेशंस में जाता है। तो एक तरह से जो पतझड़ का होता है, थोड़ा उदास वाला मौसम होता है ना, पत्ते झड़ रहे होते हैं, खाली हो जाते हैं, तो ये लोग फेस्टिवल्स वगैरह सेलिब्रेट करके ना उसको थोड़ा हैपनिंग बनाते हैं। आज हो गया हमारा डे लाइट सेविंग खत्म। लाल मार्च के लास्ट संडे में स्टार्ट करते हैं डे लाइट सेविंग और अक्टूबर के लास्ट संडे को ही एंड हो जाता है। और आज हुआ क्या, दोपहर के वक्त में हम लोगों ने खाना भी जल्दी खा लिया क्योंकि मेरे को भूख बहुत जल्दी लग रही थी। उसके बाद हिमीशा मेरे से कहती है कि हमारी घड़ी में टाइम गलत हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमें ये ट्रिगर करा कि सेल खत्म हो गए हैं। फिर मैंने सोचा, मैंने डेट क्या है, अक्टूबर 30, देन वी रियलाइज कि डेलाइट सेविंग हो गई है और टाइम एक घंटा पीछे हो गया है। तो मोबाइल वगैरह में क्या रहता है, वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, बट अगर आप एनालॉग वॉच हैं और मैनुअल वॉच हैं तो उसमें दिक्कत होती है। तो फ़र्क क्या पड़ता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन। तो घर में जब हम पहले बात करते थे तो हमें टाइम का जो डिफरेंस था इंडिया के और यहाँ के टाइम में, 3.5 घंटे का होता था। तो इंडिया का टाइम 3.5 घंटे आगे होता था और अब हमारी घड़ी 1 घंटा पीछे हो गई है, उसकी वजह से अब टाइम का डिफरेंस हो गया 4.5 घंटे। तो हम घर पे बात करने के लिए हमें शाम को जल्दी कॉल करनी पड़ेगी। हाँ, अब ऐसे इंडिया हमेशा से आगे था, अब 1 घंटा और आगे हो गया, 1 घंटा और आगे हो गया है। हमारा देश बढ़ रहा है। 6 hours later शाम के बज गए 5 और हम चल दिए हैं सुपरमार्केट। तो मैं दिखाता हूँ, हमारे घर के पास हैं ये बड़े बड़े पेड़ और अगर आप नीचे देखोगे तो ये है हमारे यहाँ पूरा फॉरेस्ट। मैं आपको दिखाती हूँ, पहले मुझे लगता था ना ये पेड़ पे फ्रूट लग रहे हैं, बट ये फ्रूट नहीं है। ये जब वो फूल झड़ जाता है ना तो उसके नीचे ये बर्ड जो बच जाता है फ्लावर का, ये वो है। लेकिन दूर से देखो तो सच में ऐसा लगता है चेरीज, या फिर वो नहीं आती थी लाल वाली जंगली बेरी, ऐसा लगता है। निकले तो हम सुपर मार्केट के लिए थे, लेकिन रास्ते में हमें लाइटनिंग दिख गई है और लगता है यहाँ पे कोई मेला लगा हुआ है, तो हम सोच रहे हैं पहले वहीं पे देख लेते हैं। और राइड्स भी बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो मैं दिखाता हूँ, चलिए तो मिलते हैं आपको मेले के अंदर। और हम लोग बता रहे थे ना, अभी ऑटम मतलब यहाँ पे यही फेस्टिवल्स ही चलते रहते हैं, सेलिब्रेशंस होते रहते हैं, फेयर्स लगते रहते हैं, और अभी मिल ही गया हमें शाम। तो अभी हिमीशा प्लान कर रही है इस ट्रिप पे जाने का।
तो अनीशा चले थे सुपरमार्केट और आ गए हैं मेले में। बहुत ही अच्छा फेयर, मतलब बच्चों के हिसाब से तो बहुत अच्छा है, बट बड़े भी आए हुए हैं। बिल्कुल बचपन की याद आ रही है। तो गाइस अब हमारा खिलाड़ी जो है खेल खेलने वाला है ये शाबाश, वेरी गुड। दो रह गए हैं, आप देखते हैं हमें इसमें क्या मिलता है। गाइस मेरे पति ने जीता मेरे लिए। तो एक नया गेम है यहाँ पे, इसमें क्या है कि आपको नंबर चूज करना है। अगर आप एक नंबर चूज करते हो तो आपको 2 यूरो पे करने होंगे। जितने नंबर आपको चूज करना है उस हिसाब से यहाँ पैसे हैं, और ये रोटेट करेगा सर्किल, और अगर आपका नंबर इसमें आता है तो आप 2 किलो चॉकलेट यहाँ से ले सकते हो। तो ये लोग गेम ही ऐसा रखते हैं, ब्लफ करने के लिए इंसान के लिए मिलेगा नहीं, और मिल भी जाए तो 2 किलो चॉकलेट इसमें भी कहाँ रखेगा। चलो, तो हमें गिफ्ट ही पसंद नहीं आया। वैसे तो अभी बजे हैं शाम के केवल 6 भी पूरे नहीं बजे हैं, और आप अगर मार्केट को देखोगे तो पूरी मार्केट क्लोज हो चुकी है पूरी तरीके से। सारी की सारी शॉप्स यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 बजे तक सब क्लोज हो जाता है, एक्सेप्ट सुपरमार्केट्स। तो जो एसेंशियल्स की चीज़ें हैं और रेस्टोरेंट, ये 2 चीज़ आपकी हमेशा खुली रहेंगी। एसेंशियल्स में आते हैं आपके जो हमारे इंडिया में परचून की दुकान रहती हैं, और सुपरमार्केट बेसिकली, तो सुपरमार्केट मोस्टली खुली रहती हैं, और आपके रेस्टोरेंट्स खुले रहेंगे क्योंकि ये सारी कस्टमर फेसिंग है, और बाकी ये कपड़े की दुकानें हैं और ये सब ऑलमोस्ट बंद है। तो ये भी 9 बजे तक ही खुलेंगी ज़्यादा से ज़्यादा? हाँ, 8-9 बजे तक मोस्टली सभी बंद हो जाता है। नहीं तो इंडिया में जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है तो उतनी भीड़ बढ़ती जाती है ना। और यहाँ पे लाइटिंग अच्छे से हो गया, अगर आप ये देखोगे तो ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लाइटिंग। तो हमारी ग्रॉसरी शॉपिंग हो गई है ख़त्म, और इसी के साथ आज के ब्लॉग कम करते हैं दी एंड। होपफुली यू गाइस लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन, एंड प्लीज़ यार सब्सक्राइब तो करो। जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर्स बढ़वाओ। सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं, लाल कलर का बटन है नीचे, सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दो, प्रेस शेयर विद योर फैमिली। ओके, इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर एंड